हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक लुक शेयर करने वाली हूँ। आजकल चल रहा है गणपति का उत्सव और आज मैं वही देखने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसका मेकअप शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ घूमने, तो मैंने सोचा ट्रेडिशनल तो लगना ही चाहिए, तो मैंने पहनी है साड़ी वेयर किया है। और आई होप आप लोगों को ये सिल्क की साड़ी अच्छी लग रही हो, और ये बहुत ही अच्छी साड़ी है फ्रेंड्स। अगर आप, अभी मैं दिखाऊंगी पूरा, तो आपको अगर ये लुक अच्छा लग रहा है, मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, तो आप देख सकते हो, इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैंने बहुत ही सिंपल से जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं वही यूज़ करके अपना मेकअप क्रिएट किया है, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है और मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे सिर्फ आधा घंटा, तो मेरे पास से सिर्फ 30 मिनट्स में मुझे साड़ी भी पहननी थी, मुझे तैयार भी होना था, मैंने चूड़ियाँ भी पहनी हैं, मतलब ओवरऑल कि मुझे सारा कुछ आधे घंटे में ही करना था, तो मैंने क्रिएट किया है। और अगर आपको अच्छा लगे ये लुक, तो आप लोग एक लाइक तो कर ही दीजिए। लाइक करेंगे तो बिल्कुल फ्री होता है, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे। तो मैंने बहुत ही सिंपल सा कान में पहना हुआ है, और क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है बाहर, तो मैंने सिर्फ सिंपल सा मंगलसूत्र डाला हुआ है, और कान में थोड़ा सा हैवी है इसलिए मैंने सिंपल सा मंगलसूत्र पहन रखा है, और बाल भी टाइन अप कर रही है, क्योंकि आजकल ये लुक ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा चलिए इसी तरह से कर लेती हूँ। और मैं जा रही हूँ बाहर, तो आप लोग इंजॉय कीजिए इस वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपके कोई भी पैसे नहीं लगते फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और ज़रूर से ज़रूर जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा, और जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए ये वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लगाऊंगी गुड वाइब्स का एल्यूमिनेटर फेस मिस्ट है ये, तो मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, और ये बहुत ही अच्छा फेस मिस्ट है, मुझे बहुत पसंद है, और इससे थोड़ा ग्लो भी आ जाता है। इसको आप रेगुलर लगाइए, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैं लगाऊंगी लिप बाम, उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये सीरम है, ये है सेफ्रॉन फेस सीरम, और ये बिल्कुल वाटरी वाला है, तो मैंने अभी इसका रिव्यू नहीं किया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीरम्स का रिव्यू कर दिया है बट इसका नहीं किया। बिल्कुल चिपचिप नहीं होता है, बहुत ही अच्छा है ये। इसके बाद मैं लगा रही हूँ ये है लोटस वाइट ग्लो क्रीम, सारी चीज़ों को अच्छे से दो मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। मैं तो जल्दी में हूँ तो इसलिए जल्दी लगा ले रही हूँ। उसके बाद मैं लगा रही हूँ NYB का प्राइमर, और बिल्कुल थोड़ा सा ही लूँगी मैं। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट हैं, आधा घंटा दिया है मेरे हस्बैंड ने, जल्दी से तैयार हो फिर जाना है गणेश उत्सव में।
मेला। हाँ, मेरे हस्बैंड इंतजार कर रहे हैं कि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं और जल्दी से निकले। उन्हें तो देख रहे हैं वो। उसके बाद मैं लगाऊंगी बेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन और मेरा शेड है गोल्डन बेज। तो पहले आप इसको अच्छे से शेप कर लीजिए, उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिए। और ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई कीजिए और मैं हाथ से ही ब्लेंड कर लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अब मैं लगाऊंगी मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट। सॉरी, तो अब मैं अपने आईब्रो सेट कर ले रही हूँ। अब मैं आईब्रो सेट कर रही हूँ, ये है ADS की आईब्रो पेंसिल। एक्स्ट्रा जितना भी हो सब एडजस्ट निकाल दीजिए, जितना भी होगा पाउडर होगा जो भी होगा, तो वो अच्छे से सेप भी आ जाएगी और आपका अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो इसके बाद मैं लगाती हूँ। तो फ्रेंड अब मैं आई शेडो लगाऊंगी। तो मैं ले रही हूँ कॉपर कलर ले रही हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी में कुछ कॉपर कलर ज़्यादा है, तो इसको ही मैं ऐसे जल्दी जल्दी से लगा ले रही हूँ फटाफट से। हाथ से अच्छे से लग जाता है, अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। इसलिए अगर जल्दी में है, आप जल्दी जाना है, तो जल्दी जल्दी से तो लगाना हाथ से ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हल्का सा इसमें थोड़ा सा पिंक कलर या जो आपको पसंद हो वो कलर डाल सकते हो, तो इससे क्या होगा कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आउटर वी पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले आ रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे इस वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं लगा रही हूँ NYV का आईलाइनर और मैंने इस आईज में लगा लिया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स अब मैं लगा रही हूँ नीचे में, थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ इसी कलर से।
फ्रेंड अब मैं लगा रही हूँ NYV का कोहल काजल, ये है वाइट कलर का, तो मैं अंदर इसको वाटर लाइन पर लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ी आईज थोड़ी थोड़ा सा बड़ा दिखे इस वजह से। अब मैं लगा रही हूँ NYV का ब्लैक वाला काजल कोहल वाला, तो मैं थोड़ा सा नीचे वाटर लाइन से थोड़ा सा नीचे लगाऊंगी इसको और ऊपर मैं भी लगा लूंगी। अपर वाटर लाइन पर तो फ्रेंड्स आईज का मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया है और अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा कंटूरिंग करूँगी, बिल्कुल हल्का हल्का सा ही करूँगी। और ये मैंने लिया था निक का और मैं थोड़ा सा ब्लश भी इसी से ही अप्लाई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, तो मैं इसी आई शेडो में से हाइलाइटर ले रही हूँ और अप्लाई कर लेती हूँ फिंगर्स की हेल्प से ही। लगा लेती हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मेरी फिंगर से ही लगा रही हूँ अप्लाई कर रही हूँ, बहुत लेट हो रहा है। अब मैं लगा रही हूँ NYV का ये है क्रियोन और मेरा शेड है नंबर 2। तो पहले मैं लिप बाम निकाल लेती हूँ उसके बाद अप्लाई करती हूँ।
बहुत ही अच्छा कलर है ये रेड, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मैंने मस्कारा तो लगाया नहीं, आई एम सॉरी, भूल गई। और मैं ले रही हूँ NYV का, क्योंकि जल्दी जल्दी में यही होता है। और कोई भी आई लेसेस नहीं लगा रही हूँ, फेक का आई लेसेस बिल्कुल नहीं लगा रही, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स अब मैं लगा रही हूँ NYV का मेकअप फिक्सर, इससे पता नहीं कैसा। मेरा मेकअप ऐसे ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा 8 से 10 घंटे। तो मिलती हूँ मैं आपसे, बाय। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है ये वीडियो, आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल फ्री होता है ये, तो आप लोग लाइक करिए। और थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा। और जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड्स। और आजकल चल रहा है गणेश उत्सव चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे सज धज के सारे लोग जाते ही हैं और देखने भी जाते हैं। और वैसे भी ऐसे तो जाया नहीं जाता है, तो हमेशा इस तरह से ही जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो जो सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब बॉम्बे जाओ, और बॉम्बे में बहुत मज़ा आता है इस समय। तो अगर इस बार तो मैं नहीं जा पाई, पर देखती हूँ, सोचती हूँ हर साल की जाऊँगी, बट नहीं हो पाता है जाना। और बहुत ही सिंपल सा मैंने देखी मंगलसूत्र पहन रखा है और इयररिंग डाल रखे हैं। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगे, अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है नई वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। लव यू फ्रेंड्स, आई लव यू, बाय बाय।